अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज मेजर गौरव आर्या की वीडियो है और पाकिस्तान स्क्रैम्स कॉन्स्पिरेसी यूएस इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट। चलिए जी, जो इंडिया और अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी उस पर पाकिस्तानियों ने कहा है, उस पर आप मेजर साहब क्या कह रहे हैं, चलिए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट अलसीसी ने नवाजा द ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। जैसे उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लर दे दिया। ये डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल। मांगते मांगते मैं दुआ करूंगा, तुम मेहनत करो, मैं दुआ करूं। ओ भाई तू मेहनत कर, तूने वादा करा है, तूने वादा करा है, तू मेहनत कर कि मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 बिलियन से मैं 100 बिलियन ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल में किताबें। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट अलसीसी ने नवाजा द ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, जैसे कि भारत में भारत रत्न होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह 13वां ऐसा पुरस्कार है जो मिला है, 13 ऐसा प्राइज या 13वां ऐसा एजाज, 13वीं ऐसी इज्जत, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। दिस इज द 13th। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरेन, सब कोई इनको ऐसे ऐसे अवार्ड्स दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इजिप्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा है कि भारत जो है और भारत की जो लीडरशिप है, विच इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द पीपल अंडर हिम हु रन दिस एंटायर नेशन, ये इजिप्ट के लिए बड़ी फायदेमंद है और इजिप्ट की दोस्ती भारत के लिए बड़ी फायदेमंद है। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ना एक चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्या है कि जब भी जाते हैं ना, जिस भी देश में जाते हैं, ये कॉमनैलिटीज़ की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, यानी कि आपके हमारे जो मतभेद हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच में जो समानताएं हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट है। अब जैसे इजिप्ट गए, ठीक है, इजिप्ट में इन्होंने बात करी कि हम दोनों एक बहुत पुरातन काल से चली आ रही संस्कृतियां हैं दोनों के दोनों। भारत हजारों दर हजारों साल पुराना, इजिप्ट हजारों दर हजारों साल पुराना, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, उनका नाइल सिविलाइजेशन। तो ये कॉमनैलिटी है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जैसे बात करी ट्रेड की, तो सुएज कैनाल की जो एक कॉरिडोर है, खास एक एरिया बन रहा है उनका, उस एरिया में जैसा मैंने कल भी बताया था, वहां पे भारत के लोग जाके निवेश करेंगे, भारत के लोग इन्वेस्ट करेंगे वहां पे। भारत की जो ट्रेड इजिप्ट के साथ है, 7-8 अरब डॉलर है, ये 15-20 अरब डॉलर की बात करने को कही है कुछ सालों में, 12-15-20 बिलियन डॉलर्स तक ये लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे ट्रेड, यानी कि और इसके और हम लोग यू नो इसको आगे बढ़ाएंगे ट्रेड को। तो दोस्तों, जब भी वो जाते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, अब जैसे इजिप्ट में गए, तो इजिप्ट में उन्होंने बात करी, पिरामिड्स में गए या वो मस्जिद में गए जो बोरा मुस्लिम्स ने बनाया था ना वहाँ पे, बनाया तो क्या था, पुराना था, उसको रिफर्बिश करवाया उन्होंने और उसकी बड़ी मान्यता है बोरा मुस्लिम्स के लिए, जो कि ज़्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसी जगह में जो भारत में बसते हैं, तो उनकी वो वहीं से आए थे शुरू से, या उनके जो बड़े थे, उनके जो बुज़ुर्ग थे, वो वहाँ से आए थे, तो उनकी वो हिस्ट्री है और इजिप्ट से शुरू होती है, तो इस मस्जिद की बड़ी मान्यता है, वहाँ पे गए, उनके साथ बैठे। देखिए, ये होता ना, ये स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर होता है। पॉलिटिशियंस बड़े होते हैं यार, राजनीतिक बहुत होते हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो शख्स, जो इंसान अपनी पोजीशन से उठ के बोले कि यार चलो दोनों हाथ मिलाते हैं, आप में और हम में ये समानता है, चलिए जो विविधताएं हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, या फिर जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस नहीं है, जिसमें हमारा झगड़ा है, जिसमें हमारा मतभेद है, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसी बात कर लेते हैं, तो उससे क्या यारी दोस्ती बन जाती है। अगर मैं आपसे ना लड़ूं, आप गुस्से से आएं मेरे पास, आप गुस्से से आएं और मैं बोलूं और भाई साहब आप कैसे, आपका नहीं मन चाहेगा लड़ने का, राइट? तो ये ऐसी चीज है कि लोगों से क्यों झगड़े की बात करनी, लोगों से क्यों लड़ाई की बात करनी, छोड़ के चाइना और पाकिस्तान, बाकी दुनिया से क्यों लड़ाई झगड़े की बात करनी यार, है ना? तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, ऑर्डर ऑफ द नाइल मेरा है, बड़ी इज्जत वाली बात है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरी खबर सुनूं, मैं आपको ना किताब दिखाना चाहता हूं, ये बुक है यार,
इफ यू कैन सी दिस बुक क्लियरली, ये जो किताब है इसका नाम है बलिदान। आप जानते हैं बलिदान का जो बैज बना हुआ है कौन पहनते हैं? पैरा स्पेशल फोर्सेज वाले पहनते हैं, ठीक है। और पैरा स्पेशल फोर्सेज वाले बैज पहनते हैं, बड़ी मुश्किल से बैज मिलता है, बड़ा खून बहा के, पसीना बहा के और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये बैज मिलता है। स्वप्निल पांडे जी जो हैं, मिसेस स्वप्निल पांडे, ये एक आर्मी वाइफ हैं, यानी कि इनके हस्बैंड हैं, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, और इन्होंने किताब लिखी है पैरा स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेटर्स के बारे में, इनके बड़े बड़े ऑपरेशन के बारे में। और मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ आप लोग नहीं जो फौज में नहीं हैं वो इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेज का एक बहुत बड़ा हुआ यार फौज में, और व्हेन आई से हुआ आई मीन पॉजिटिवली, मैं नेगेटिवली वर्ड नहीं यूज कर रहा, बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा जिसको कहते ना कि यार लेजेंडरी। अच्छा, विच रेजिमेंट आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम 21SF, या आई एम फ्रॉम 9SF, 10SF, 1SF, 2SF, 3SF, वो जो भी अपनी रेजिमेंट का, अपनी यूनिट का नाम बताएगा। तो सडनली अचानक विदाउट नोइंग द पर्सन, आप बंदे को नहीं जानते, अचानक 10 गुना ज्यादा उसकी इज्जत बढ़ गई आपकी आंखों में। इनके बारे में कहा जाता ना, मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर, वो पैराशूट रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है, मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। ये अलग हैं क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, ये किसी भी रेजिमेंट के होंगे इंडियन आर्मी के। ये बंदा हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि सर मैंने स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटिव बनना है, मैंने पैराट्रूपर बनना है। ये अपनी मर्जी से जाते हैं वहां पे, इनकी कोई पोस्टिंग नहीं करता वहां पे, इनकी मर्जी होती है। और जिस दिन ये अपनी पैराशूट रेजिमेंट छोड़ना चाहेंगे और वापस अपनी इन्फेंट्री यूनिट है, किसी भी और यूनिट से आए होंगे, आर्मर्ड से, आर्टिलरी से, कहीं पे भी, ये वापस जा सकते हैं, इनकी मर्जी होती है। तो ये अपनी मर्जी से जाते हैं क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, इनकी ज्यादा इज्जत है, राइट। और इनके कारनामे ऐसे हैं, इनके ऑपरेशन ऐसे हैं, कई सारे ऑपरेशन हैं जो ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को पता, ये बिल्कुल जिसको कहते ना अंधेरे में, इनके कोवर्ट ऑपरेशन, इनके हीरोज कौन कौन से हैं, अभी देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ पीछे किन किन की कहानियां, तो बहुत सारी हैं इसमें ना, इस किताब में देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। लेकिन दोस्तों ये जैसे कर्नल संतोष महाडिक, इनकी कहानी है, कैप्टन तुषार महाजन, इनकी कहानी है, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, इनकी कहानी है, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, इनकी कहानियां, और भी कई सारे हीरोज हैं। बड़ी लंबी चौड़ी किताब है और इसमें नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशन हैं, JNK के ऑपरेशन हैं, दुनिया भर के ऑपरेशन हैं, और इनके बारे में डिटेल में, विस्तार में कभी ऐसी किताब नहीं लिखी गई है दोस्तों जो इतने विस्तार में स्पेशल फोर्सेज के जो लोग हैं ना, जो वर्दी के पीछे जो बंदा है उसके बारे में समझाया, उसके परिवार के बारे में, वो क्या सोचता है, कैसे लड़ता है, क्या उसके मोटिवेशन है। ये किताब जरूर आप खरीदिए, जरूर आप पढ़िए, और इसका लिंक जो है, इसका लिंक नीचे है, आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा वहां पे इसका लिंक, आप इस पर क्लिक करिए, अमेजोन से बुक लीजिए। बहुत शानदार किताब है, फौज की किताब है, पैरा स्पेशल फोर्सेस की किताब है, राइट। खासतौर से आप लोग जिन्होंने अपने DP में बलिदान बैज लगा रखा है ना, जो आप बड़े फैंस हैं पैरा SF के, देखिए जाके मजा आएगा। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान पे, आपका फेवरेट टॉपिक। अच्छा, मुझे बड़ी डांट वांट पड़ रही है कुछ दिनों से, लोग कहते हैं साहब ये क्या है, आप कभी रशिया चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी इजिप्ट की बात करते हैं, पाकिस्तान के बिना दिल नहीं लगता है। अब इंडिया वाले भी है करने लगे पाकिस्तान के पीछे, इतना मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना दिल नहीं लगता है। तो मैंने बोला चलो दिल लगा देता हूं आपका, ठीक है जी। अच्छा, हुआ ये कि जॉइंट स्टेटमेंट हुआ ना इंडिया और US का, और उसमें साफ तौर पे दोनों देशों ने बोला यार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आओ तुम, और ये जो लश्कर तैयबा है, ये जो जैश ए मोहम्मद है, इन सबको तुम अंदर वंदर करो, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करना बंद करो। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, जॉइंट स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, खासतौर से जब एक पार्टी इंडिया और दूसरी पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, तो पाकिस्तानी बड़े रोने लगे। ये देखिए इमरान खान का स्टेटमेंट, इमरान खान कहता है कि आपने पाकिस्तान को, वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है, अपनी सरकार के ऊपर, यानी कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर वो उंगली उठा रहा है, और कह रहा है यार तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, तुमने तो वो बना के रख दिया, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी, ये बाल बाल काटता है, ये पीर है ना, तो बाल काटने के 10-20 रुपए लेता है, ये पीर है बहुत बड़ा वहां का, मुल्तान में पीर है ये, बाबा नहीं होते जो, ये बाबा टाइप का है ये। इसका तो मन भी नहीं था फॉरेन मिनिस्टर बनने का, ये चाह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या पंजाब का चीफ मिनिस्टर, इसका फॉरेन मिनिस्टर में मन नहीं था, बेचारे को घसीट के बना दिया, ये रोता रहा वहां पे। खैर एनीवे, ये भी कहता है यार कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो ये है वो है, ये ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। ये डिप्लोमेसी की बात कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, जिसने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए कुछ नहीं करा, ठीक है, जिसने खुद कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, शाह महमूद कुरैशी। और अभी जो है बिल्लो रानी भी कुछ नहीं कर रहा, पहले वाला भी बकवास कर रहा था, आज वाला भी बकवास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान हैज नेवर हैड गुड डिप्लोमेट्स, मैं कह रहा हूं मिड लेवल पे होंगे, एम्बेसडर लेवल के अच्छे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो, क्योंकि आपको जब भीखी मांगनी है तो फिर क्या, उसमें कौन सी डिप्लोमेसी है यार, आपको तो जाते कमरा खुला,
उसने बोला आइए खुशामदीद, उसने बोला शेख इधर तो देख कहाँ है तेरे पैर, उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लर दे दिया। ये डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल, मांगते मांगते कभी शेख के पैर पकड़े, कभी वो चीनी मिनी चाऊचाऊ के पैर पकड़े, कभी अमरीका बहादुर के पैर पकड़े, किसी ना किसी का पैर पकड़े। अब ये तो डिप्लोमेसी है, और बीच बीच में जब थोड़ी सी सांस ले लेते हैं ये लोग, थोड़ी सी सांस आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, फिलिस्तीन फिलिस्तीन, और इनका कुछ नहीं है। देखो ऊपर वाला माला खाली है, कुछ नॉलेज नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने भी भंड मार दिया बहुत सॉलिड, ठीक है जी। अब शाह महमूद कुरैशी ने जो भंड मारा है दोस्तों, और इमरान खान ने जो भंड मारा है, उसका कारण क्या है? इन दोनों में से कोई भी, और बड़े बड़े जफर हिलाली टाइप के जो उनके टेलीविजन पर बैठते हैं ना, पुराने डिप्लोमेट्स और ये सब कंडेम कर रहे हैं, इंडिया ने गलत कर दिया जी, अमरीका ने गलत कर दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, दुनिया भर की बकवास। इनमें से सब ये कह रहे हैं कि देखो हमने अमेरिका के लिए कितना काम करा, वॉर ऑन टेरर हमने लड़ा, 80,000 जाने चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे बेवकूफों बेवकूफों जाहिलों, तुम्हें ये कहना चाहिए, अब तुम इंडियन से ही सीखोगे, को खुद तो तुम बुद्धि से पैदल हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें यह कहना चाहिए कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर तुम पाकिस्तान की बात करना चाहते हो, तो अगर तुम पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हो, तो ये बोलो ना कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, ये बोलो कि हमने कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, ये जॉइंट स्टेटमेंट गलत है, हमने तो करा ही नहीं है सब कुछ। ये कोई नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, जफर हिलाली भी नहीं कह रहा हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, सब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अमरीका के लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अमरीका ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, अमरीका एहसान फरामोश, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब गाना गा रहे हैं अपनी लाहौरी में ये लोग, कोई ये नहीं मना कर रहा, सब कह रहे हैं हाँ ठीक है हम दहशतगर्द हैं, हम आतंकवादी हैं, लेकिन तुम कहो मत, इनकी इतनी सी रिक्वेस्ट है बस पाकिस्तानियों के। अच्छा मैं ना पाकिस्तानियों को एक दो बातें क्लियर कर दूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम में जाऊंगा। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोग हर समय कहते हो कि हमने अमेरिका के लिए बड़ा एहसान करा, हमने 80,000 जाने दी, हमने इतना लुटवा दिया, पिटवा दिया अपने आप को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसने बोला था तुम्हें करने के लिए, किसने बोला था करने के लिए? दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्यों करा। जो पाकिस्तान अमेरिका को दोष दे रहा है ना, अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहा है, तनकीद कर रहा है, ये नहीं बनता है पाकिस्तान का करना, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को झूठ बोला है, और ये ऐसी कौम है जो चार पुश्तों से अपने बच्चों को झूठ बोलती आ रही है, तभी वहां पे शेख रशीद जैसे पैदा होते हैं अब नॉर्मल लोग। मैं आपको बताता हूं सच क्या है दोस्तों, सच ये है कि पाकिस्तानियों ने, चाहे वो परवेज मुशर्रफ था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, ठीक है, चाहे इमरान खान द ग्रेट नियाजी था, इमरान खान द ग्रेट नियाजी, चाहे वो नवाज शरीफ था, कोई भी था, सब ने अमेरिका से मोटे पैसे पकड़े हैं अफगानिस्तान में खून बहाने के लिए। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। फर्ज कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर करा, वेटर ने आपका ऑर्डर लिया और आपने खाना ऑर्डर कर दिया, वेटर खाना लेकर आया, आपने खाना खाया, आपको मजा आया, वो बिल लेकर आया, आपने बिल दे दी, टिप दे दिया आपने उसको, पूरा बिल चुका दिया आपने, ठीक है ना, सब कुछ हो गया, आप वहां से चले गए। ऑलराइट, अगले दिन आप बाजार में टहल रहे हैं, आपको वही वेटर सामने से आता है, कहता देखो मैंने कल तुम्हें खाना खिलाया था ना रेस्टोरेंट पे, खिलाया था ना खाना? हाँ खिलाया था, याद है मुझे, आप वेटर थे, आपने खाना खिलाया था, एहसान मानो मेरा, एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया। आप क्या करेंगे? आप वेटर से बोलेंगे तू बेवकूफ है, इसमें एहसान वाली क्या बात है, तूने मुझे मेन्यू दिया कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, खाना प्रोवाइड करता हूं, उसमें दाम लिखा था, मैंने तेरा पूरा बिल चुकाया, मैंने तेरे को 500,000 रुपए ऊपर से टिप दिया, इसमें एहसान क्या? तू एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं, ये तेरा मेरा रिश्ता है, इसमें ना तू मेरा एहसान मानेगा ना मैं तेरा एहसान मानूंगा, और रादर कि तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए एक्चुअली कि मैं आया और मैंने तेरे रेस्टोरेंट चलाया, वरना तेरे रेस्टोरेंट में आ कौन रहा है, अगर ग्राहक नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है, फिर कैसे चले गए? तो ये पाकिस्तानियों की बड़ी गलत फहमी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ दगा हुआ है, हमारे साथ, क्योंकि खुद धोखेबाज खुद गद्दार है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाजी कर रहे हैं। भाई अमेरिका आया, अमेरिका ने बोला कि भाई ये अच्छा ये प्रपोजल कौन लेकर गया था, अमेरिका के दिमाग में बात नहीं आई थी, ये ज़ियाउल हक लेकर गया था प्रपोजल कि भाईजान भाईजान मैं आपका काम करूंगा, पैसे दे दो मैं करूंगा, वहां से इनका शुरू हुआ ये सब रूस के खिलाफ। फिर जब 9/11 हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ का फोन आया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वील सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। डिक्टेटर आदमी था, पैर कांपने लगे, कांपें टांगने लगी, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना उल्टा, कांपें टांग रही थी उसकी, तो उसकी कांपें टांगने लगी। अब कांपें टांगने लगी तो उसने बोला जी जनाब मोटे पैसे लिए अमेरिका से, वॉर ऑन टेरर लड़वाया,
अफगानों को मरवाया, अफगानों को कटवाया, उनके बच्चे मरवाए पाकिस्तानियों ने, अपने कंट्री में, अपने मुल्क में ड्रोन के बेसिस दिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के बेसिस दिए कि जाओ अफगान घरों में बम डालो। अमरीकों ने मारा, तालिबान भी मारे, इस्लामिक स्टेट वाले भी मारे, अलकायदा वाले भी मारे, लेकिन ज्यादातर जो मरे वो इनोसेंट सिविलियंस थे। पाकिस्तानियों ने पैसा लेके अपने ट्राइबल एरियाज में मरवा दिए लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा में मरवा दिया, बलूचिस्तान के एरियाज में मरवा दिया, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में तो उन्होंने बस थैंक यू टाटा बाय बाय करवा दिया अपने पूरे गांव के गांव का, और पैसे ले लिए अपने लोगों को मरवाने के लिए। आज वही पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, यार तो गलत कीता यार, हैं ये तो गलत हो गया यार, ये बड़ा जुल्म हो गया यार। क्यों क्यों पाकिस्तानियों, पैसे नहीं लिए थे तुमने? पैसे लेते वक्त तो मुंह से लाट टपक रही थी, लाओ जी लाओ डॉलर लाओ, अब रो रहे हो, अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, हैं? वेरी रॉन्ग। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखानी है। यहां पर मैंने द चाणक्य डायलॉग्स में बोला था जरदारी साहब ने भंड मार दिया बहुत बड़ा, आसिफ अली जरदारी, आई थिंक इस महीने की 8 तारीख को, समथिंग लाइक दैट, आसिफ अली जरदारी का यह बयान आया था 7 तारीख को कि मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 बिलियन से मैं 100 बिलियन ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल में किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, आप ही देखिए छोटा सा क्लिप, मैंने क्या बोला और फिर जरदारी क्या बोल रहा है। मांगा, फिर गुप्ता जी से मांगा, फिर वर्मा जी से मांगा, इस तरीके से मिला मुलूक है पाकिस्तान के पास $4 अरब आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान को बड़ा फक्र है, इस पर बड़ा गर्व है यार, हमारे पास $4 अरब है, और भी होने चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी चुप कैसे रह सकते थे? ये आदमी इतना बड़ा सांप है, मैं आपको बताता हूं, आसिफ अली जरदारी चुप था। ये पूरी जब मार पड़ रही थी ना इमरान खान को, इमरान खान के फॉलोअर्स को, अभी भी पड़ रही है, आसिफ अली जरदारी चुप, बिल्लो चुप, बिल्लो भारत को, मोदी जी को, दुनिया भर में, कश्मीर कश्मीर ये सब, लेकिन बाकी मामलों में चुप। अब बिल से निकल के आया, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या, इसने बोला क्या, इसने बिल्लो के बाप ने ये बोला कि भाई मैं जब जेल में था ना, ये काफी टाइम से जेल में था, ये मतलब 8-10 साल रहा जेल में कुछ ऐसी, तो जब ये जेल में था तब कहता है कि मैंने अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी हैं यार, मैं बड़ी किताबें पढ़ी मैंने इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी इकोनॉमी के ऊपर, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया, मेरे पास आइडिया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो $4 अरब के हैं इस वक्त, उसको 100 अरब पे कैसे ले जाना है, 4 अरब से 100 अरब कैसे ले जाना है। ठीक है, और क्योंकि मैं जेल में था और मैंने किताबें पढ़ ली जेल में, अगर ऐसे ही अर्थशास्त्री पैदा होने लगे दुनिया में तो फिर सभी जेल जाओ कुछ कुछ वक्त के लिए, पढ़ो और आसिफ अली जरदारी बन के निकलो। इस आदमी ने क्या करा मैं बता रहा हूं, ये खेल क्या खेल रहा, आपको हंसी आ रही होगी कि यार कहां 4 अरब कहां 100 अरब, और एक ड्रामा क्या कर रहा है, ड्रामा नहीं है, बहुत चतुर लोमड़ी है ये। I was astonished to hear, आजकल lately I've started watching TikTok, तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, I know he's a raw agent, he's a major from the army, then into journalism, so one knows where they're coming from, I'm a politician too. So he said, फंड मारा है जरदारी साहब ने $100 बिलियन का के, तो ये भंड नहीं है, ये हकीकत है, इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे, हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होंगी और स्ट्रगल। देखा आपने दोस्तों, आसिफ अली जरदारी मुझे ट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मुझे ट्रोल कर रहा है कि मेजर है ये, ऐसे ही है ये, रॉ का एजेंट है ये, ऐसा है वैसा है, मैं पॉलिटिशियन हूं मैं सब जानता हूं, और फिर अपने लोगों को क्या चूरन दे रहा है, वो अपने लोगों को यह चूरन दे रहा है कि भाई तुम मेहनत करो। अच्छा पहले क्या बोल रहा था कि मैं बना के दूंगा तुम्हें 4 अरब से 100 अरब, फिर अपने लोगों को यह चूरन, तुम मेहनत करो मैं दुआ करूंगा, तुम मेहनत करो मैं दुआ करूं, ओ भाई तू मेहनत कर, तूने वादा करा है तू मेहनत कर बना 100 अरब, ओ भाई इसी का बेटा तो है बिल्लो, ये तो सरकार का हिस्सा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है आसिफ अली जरदारी, किस चीज का इंतजार कर रहा है, इसकी सरकार तो है कर ना, किसने रोका, इमरान खान की सरकार है इस वक्त, क्या इमरान खान वजीर आजम है पाकिस्तान का? अगर इमरान खान नहीं है पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त, और इस वक्त तुम्हारा बेटा बिल्लो फॉरेन मिनिस्टर है, और तुम्हारा ही जो कोलैबोरेटर है तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ जिसने हाथ मिलाया है, कोलैबोरेटर नेगेटिव वर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूं कोलैबोरेटर, ठीक है ना, ये तुम्हारा शहबाज शरीफ, ये तो तुम्हारा पॉलिटिकल फ्रेंड है, क्यों नहीं करते, करो ना, किसने रोका है तुम्हें? नहीं साहब, जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मेरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगी, जिस दिन फौज मेरे कदमों पे गिरेगी, जिस दिन मुझे अनब्रिडल्ड पार मेरे पास होगा, उस दिन मैं सोचूंगा क्या करना है, क्योंकि मैंने जेल में बड़ी किताबें,
ये सब ये इनकी ना भंड मारने की, मैं बता रहा हूँ सारे पाकिस्तानी यही करते हैं लीडर इनके, झूठ सबके सब झूठ सबके सब इनके जो ये पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबके सब सिर्फ झूठे और मक्कार नहीं हैं, ये 420 भी हैं, ये करप्ट भी हैं और ये अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप बोलेंगे मेजर साहब इमोशनल बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप पाकिस्तानी अशराफिया अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। इनको मौका मिले ना ये कल लात मार के विदेश चले जाएं सबके सब। अभी तो यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि और बटोरो पैसा, अभी चीन से लोन आएगा ना वो भी लेंगे, IMF से आएगा वो भी खाएंगे, सब लोग खाने पीने के चक्कर में। और झूठ बोल दो लोगों को बीच में ना, बीच में ऐसे ही तुक्के मारते रहो हवा में कि जब मैं बनूंगा फिर देखना मैं 400 से 100 अरब ले जाऊंगा। और मैंने पॉइंट आउट करते तो मुझे पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो मेजर है, वो रॉ का एजेंट है। वो एक बात बताओ, मैं इंडियन हूँ ठीक है, हर एक इंडियन 140 करोड़ है इंडियन रॉ के एजेंट, और बताओ कोई दिक्कत है आपको? एनीवे छोड़ो यार इन पाकिस्तानियों को दोस्तों, तो आज के हम आते हैं कौन से सेक्शन में, आस्क मेजर शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, अभिषेक जैन सर आई एम योर दोस्त। अभिषेक भाई ये करी ना बात, ये फैन फोन नहीं पसंद मुझे यार, ये कह रहा आई एम योर दोस्त, ये बिल्कुल ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, शबाश, यू आर द रीजन आई बिकेम इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। व्हेन इंडिया सरपास्ड चाइना टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर, व्हेन इंडिया ओवरटूक चाइना इन अप्रैल टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, ऑब्जर्वर्स वंडर्ड विल न्यू दिल्ली सरपास बीजिंग टू बिकम द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर, इंडियाज बर्थ रेट GDP दिस थिंग ठीक है। अच्छा दो तीन चीज़ें हैं अभिषेक जी, पहली बात आपने बोला मैं दोस्त हूँ, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक गॉड। मेजर को ना एक मैं बात बताऊँ, सारे के सारे जो हमारे सपोर्टर्स हैं और हमारे जो वेल विशर्स हैं आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, यार जब चार लोग आपको शॉपिंग मॉल में मिलते हैं ना कि मेजर साहब सेल्फी चाहिए ऑटोग्राफ, ये जो लोग मांग, उड़ना बहुत आसान हो जाता है यार, फिर इंसान ना दूसरे को इंसान नहीं समझता, फिर दूसरे को अपने से छोटा समझता है। आप मैं आपसे क्यों बोलता हूँ फ़ैन मत बोलो, दोस्त बोलो, भाई बोलो, क्यों बोलता हूँ मैं? ठीक है आप मुझे दोस्त बोलो, भाई बोलो, फ़ैन मत बोलो, व्हाई डू आई से दैट? अगर आप मुझे अपना मानते हो ना, अपना मानते हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, अगर आप अपना मानते हो ना मुझे उड़ने मत देना कभी, मुझे ज़मीन से लगा कर रखना। चाणक्य फोरम और चाणक्य डायलॉग्स की तरक्की उसी में है कि हम लोग ज़मीन से जुड़े रहें और अपनी हैसियत में रहें और अपने पुराने दोस्तों का ना भूलें जो हमारे साथ स्कूल में थे ना, वही लफंटा टाइप के जितने भी स्कूल कॉलेज टाइप के, ठीक है उनको कभी ना भूलें। क्योंकि जब आप कहते हो फ़ैन सेलिब्रिटी, इससे क्या होता है कि आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है, और मैंने कई के करियर देखे हैं बर्बाद होते हुए, बिकॉज दे स्टार्ट बिलीविंग दिस, वो विश्वास कर लेते हैं कि साहब अरे मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ। भाई मेजर कोई तुर्रम खान नहीं है, मैं आप ही का भाई हूँ, आप ही का दोस्त हूँ, आप ही के जैसा मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक लड़का हूँ, दैट्स इट। ठीक है कमिंग टू अ क्वेश्चन, क्या इंडिया चाइना को ठोक देगा? डेफिनेटली ठोकेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हमारी दो तीन कमियाँ हैं जो हमें दूर करनी पड़ेंगी। ठीक है सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने अभी ब्यूरोक्रेसी को टाइट कर रखा है, लेकिन फिर भी चाइना की ताकत क्या है? चाइना की दो तीन ताकतें हैं, बट उसमें से जो सबसे बड़ी ताकत जो मैं समझता हूँ ना, वो स्पीड है, वो गति है। चाइना के स्पीड बहुत तेज़ है कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने की। अब हमारी भी स्पीड पहले से बहुत तेज़ हो रही है, राइट? आपने बोला कि वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन, लेकिन हमारा इसके बावजूद भी फायदा है, पता है क्या चाइना से? हमारी जो मीन पॉपुलेशन की एज है वो चाइना से 10 साल छोटी है, चाइना बुढ़ों का देश हो रहा है, राइट? तो विल वी कैच अप विद चाइना अगर हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहीं? ठीक है अगर हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही और वेस्ट डीकपल करता रहा चाइना से, आई एम वेरी श्योर वी विल कैच अप विद चाइना, एंड नॉट ओनली कैच अप विद चाइना, वी विल बीट चाइना, आई एम डैम श्योर। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, और वो बात कर रहे थे एक तो जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा मोदी को सबसे बड़ा जो उनका अवार्ड है इजिप्ट का वो दिया गया, और वहाँ पे जो इज्जत अफजाई की गई उसके बारे में बात की। दूसरा उन्होंने गेस्ट वो पाकिस्तान के टॉपिक पे आज बड़ा फिर से ही दोबारा बड़े अंदाज में नज़र आए, और जो स्टेटमेंट दिए गए भी चाहिए था जब आप उनकी तरफ से जैसे स्टेटमेंट आएंगे तो उसके ऊपर मेजर साहब का नाम भी चाहिए। जाहिर है इंडिया अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, और उन्होंने भी कहा है कि जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है, जो डिमांड है अमेरिका और इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर काम किया जाए,
और सिर्फ वो यही कह रहे हैं ना कि ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई आपकी कंट्री, जैसे हम कहते हैं अफगानिस्तान को हम ब्लेम करते रहे जी आपकी तरफ से जो हमारे ऊपर जो है ना वो नहीं आना चाहिए, अलकायदा को रोकें वो तो आपकी तरफ से, तो वो भी तो यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आपके मुल्क से जो है ना दहशतगर्दी हो रही है, ऐसी तंजीमें आपके कंट्रीज में भी हैं उनको रोके, आप उनको पालते हो फिर ऊपर ब्लेम भी करते हो दुनिया को, तो यही सारी उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। इसमें बुरा क्या है, बजाय इसके कि हम कहेंगे ठीक है जी हम अपने घर को ठीक करते हैं, एक बंदा बता रहा है कि भाई आपके फलां घर में फलां जगह पे जो है ना वो फलां जगह खराब है उसको आप ठीक कर लें, वहां पे आप दरख्त लगाएं, वहां पे आप गेहूं बीजें, आप ये करें, बजाय उसके आतंकवाद फैलाएं, हम उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय हम ब्लेम कर रहे हैं ये तो हमको जी दहशतगर्द जो है ना बना रहे हैं। तो भाई ये 70 सालों से ये सारी चीजें चलती रही हैं, तो ऐसे लोगों को जैसे जफर लाली जैसे जो है पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर उसके ऊपर भी दुख होता है। देखिये जी पढ़े लिखे क्या, यहाँ जाहिल क्या, यहाँ कौम का एक अलग ही नजरिया है, अलग ही। तो यहाँ पे जो है ना बयान वही दी जाती है जो पीछे से पुलिस ही आती है कि भाई यही आपने स्टेटमेंट देनी है, इसके अलावा नहीं दे सकते, तो आप ये इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, इन लोगों को इस चीज से निकलना पड़ेगा। अब 70 सालों से हमने बहुत सारी कुर्बानियां दे रही हैं, आवाम ने दी है, ये जो 70-80 हजार जो लोग हमने शहीद करवाए हैं ये आम पाकिस्तानी थे, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, और फिर जब आप कहें वो नाम देता है जी ये रद्दुल फसाद हो गया, ये फलाना दरबल अदब हो गया, ये फलाना हो गया, धमकाना हो गया, तो वो एक ड्रामा लगाया हुआ है, और वहां पर भी अब आवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि ये जिसको दहशतगर्द दुनिया कहती है उसको हम मानते नहीं है, तो ये जिसको दहशतगर्द कह के मारते हैं पता नहीं वो कौन है, वो सिविलियन ही है या वो दहशतगर्द हैं भी जिनको ये इतने दहशतगर्द मारते हैं, फलाह मारते हैं, ये वो लोग हैं जिन जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये वो हो सकता है क्या असलियत जाहिर करने लगते हैं, ये क्या कहा जा सकता है, अब क्या कहा जा सकता है। देखिए जी इसका अलमिया हमेशा से सही रहा है, जो इसको चाहिए वो ये समझते नहीं, जो इनको करना चाहिए ये वो करते नहीं है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो इसको हम डिफेंड करते हैं, वो हम डेफिनेटली करते हैं। आप देखें आज के दौर पे पाकिस्तान को क्या चाहिए, सबसे पहले मईशत और दूसरे ममालिक के साथ बेहतरीन अच्छे तल्लुकात चाहिए, और उसके पीछे जो बेहतरीन डिप्लोमेसी यही होती है कि आप दूसरों की जो बातों हैं उनको एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें, उनको मुतमिन करें कि हाँ हम भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें आपकी भी सपोर्ट दरकार है, इस सपोर्ट के पीछे भी आपको अमेरिका बहुत सारा पैसा देता है और देता रहा है, आज भी अगर आप काम करोगे तो वो आपको पैसे देगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा से विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि हमें मार दिया गया, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे सलाब आ गए, फलाने हो गए, जो कुछ भी हुआ है हम उस पे अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पे लोगों से कहते हैं हमारी हेल्प करो, अब हमारी हेल्प करोगे तो हम चलेंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखें पिछले साल से अब दोबारा सैलाब आ चुका है बलूचिस्तान में, हमने पिछले लोगों को आबाद नहीं किया, अब दोबारा से जो बचे कुचे हैं वो भी इस साल उजड़ जाएंगे, तो ये कहेंगे कि भाई चलो कुछ कम हो गए, इसी तरह से मरते हैं तो मर गए, हमारी बला से हमें एक और मौका मिल गया है लोगों से पैसे ऐंठने का, लेकिन असल में जो काम करने वाले होते हैं ये खुद से कभी नहीं करते, ये हकीकी बात है कि इनको चाहिए मईशत पे काम करना, जो जरदारी साहब 400 अरब डॉलर करने की बात कर रहे हैं ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो कर सकते हैं, ये हम ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें कोई ऐसी, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते तो फिर कैसे होगा ये सारा कुछ, हमने मांग तांग के तो हमेशा से गुजारा किया है। अभी IMF ने जितनी इनको जितने इनको लकीरें निकलवा दी हैं इनकी, और इनको कुछ उन्होंने अभी चाहिए था कि कहते कि भाई आज से हम अपनी कौम को कहते कि हमारा मईशत का रोड मैप ये है, आज से हम किसी IMF के पास नहीं जाएंगे, हम अगले 10-15 सालों में ये वाला करने वाले हैं, आपकी हमें सपोर्ट चाहिए, तो अवाम क्यों नहीं सपोर्ट करेगी, अवाम तो पहले ही मर रही है, अवाम का तो बीच में मामला ही कोई नहीं है, आप लोगों का तो मामला ही और है। अब एक और मैं भूल गया यहाँ पे करने वाली, कल एक मैं देख रहा था वीडियो, बड़ी गर्दिश कर रही थी, हमारे जो सबका प्राइम मिनिस्टर साहब हैं खूबसूरत से, वो एक जगह पेशी पे मौजूद थे और वहां पे अपनी पेशी के मौके पर एक वकील उनसे पूछ रहा था, भारत की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है, तो उसका जवाब कोई नहीं दिया गया, तो उसका आप जवाब आप दें, आपका फर्ज बनता है आपने जवाब देना है, तो खान साहब ने वहां पे जवाब क्या दिया कि खान साहब को भी चाहिए था कि वाकई में जो हम करते हैं हमें उससे
बचना भी चाहिए, उसकी रोकथाम भी करनी चाहिए। और खान साहब भी बड़े धड़ल्ले से वहाँ अपनी सियासत को चमकाने का, वो जो 10% को 5% उनके पास बची है, हमारी कोशिश है आज भी उसको कैप्चर कर लें। और जो वो सवाल करने वाला था उसके भी हैरानगी आ रही थी कि उनसे कह रहा है कि खान साहब जी आप कर दो, इस हुकूमत के पास तो कोई है नहीं। तो भाई क्या कर दो, क्या उन्होंने को गलत कह दिया है आप लोगों को जो ऐसा आप उनके जवाब देंगे? जो बात की गई है उस पर अगर आप बात नहीं कर सकते या उनको नहीं डिफेंड नहीं कर सकते, या तो बड़े धड़ल्ले से कहेंगे नहीं जी बताएं हमें सबूत दें, हम नहीं करते, हम ये सब कुछ नहीं करते, हम तो बड़े पाकिस्तान, हमने तो हमेशा से पैसे लेकर ही लोगों के काम किए, वेलफेयर के काम किए, हम तो रजा कराना तौर पर करते हैं, थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट और मदद मिल जाती है। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। हम इस कौम का अलमिया ही यही है कि जब हम हुकूमत में होते हैं तब हम कुछ और करते हैं, जब हम हुकूमत से बाहर होते हैं फिर हमें हर चीज़ वो जो सही है वो नज़र आ जाती है, और दुनिया के सबसे बड़े हम डिप्लोमेट भी बन जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े सियासतदान भी बन जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुफक्कर दानिश्वर, क्या क्या जो क्वालिटीज़ है वो सारी की सारी हमें कूट कूट के बाहर। लेकिन जब हम हुकूमत में होते हैं तो फिर हम रोते हैं कि हमें करने कुछ नहीं दिया। बिल्कुल, फिर भाई आते क्यों हो, आते क्यों हो करने के लिए, पीछे से पीछे तो उसके मुताबिक ही रहे, आप अपोजिशन में भी हो तब भी, जब हुकूमत में हो तब भी, बयान नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए चीज चलिए जो होता है, देखिए अब जो है ना, आज जो आप करते रहे हैं, अब ये पिछले 4 साल ये सारा कुछ कहते रहे हैं, ये जो आज हुकूमत में है, अब क्यों नहीं ये सारा कुछ कर रहे? क्योंकि ये कर ही नहीं सकते। आप पॉलिटिशियन को जो जिम्मेदारी कहना, ये तो आप ये इस चीज को भी समझना चाहिए हमें कि ये पॉलिटिशियन कठपुतलियां हैं, पीछे से इनकी डोरियां लाई जाती, जब तक वो डोरें टूटेंगी नहीं तब तक ये जो भी आ जाए वो इसी तरह से कहता है। ये इस कौम का अलमिया है, हमेशा से ही रहा है, और अभी भी इसके चांसेस नहीं है बिल्कुल कि इसको साइडलाइन किया जाए। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।